बैंक के कर्ज अदा हो जाएं। लोगों सिंधियों, आप अजीम लोग हैं। मैंने सैलाब में कड़ाई के ऊपर चलती हुई बेटियों को जान बचाते देखा है। मैंने एक एक भैंस को बचाते हुए सिंधियों को देखा है। मैंने गुर्दे बेचते हुए सिंधियों को देखा है। मैंने खून बेचते हुए सिंधियों को देखा है। लेकिन सिंधी वो अजीम कौम है, बेनजीर शहीद हुई, भुट्टो फांसी लगा, ये फिर भी नरे का पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे आज खान साहब ने और जहांगीर तरीन ने इजाजत दी है कि मैं मंडे या ट्यूसडे को, ये कहते हैं मुझे निकाला क्यों है, तेरे करतूत ही ऐसे थे। रोज मैंने नवाज शरीफ खानदान को कहा, इसको अकेला मत सोने दिया करो, इसका ज़हनी तवाज़न खराब हो चुका है, ये नफ्सियाती मरीज हो चुका है। दीवार की तरफ देख के कहता मुझे निकाला क्यों, खिड़की से निकलता मुंह कहता मुझे निकाला क्यों है। और तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरो, बेईमान हो, करप्ट हो, कमीशन खोर हो, तुमने इस मुल्क की दौलत को बाहर मुंतकिल किया है। सारी कौम 5 जजेस को सलाम पेश करती है। और आखिरी जुमले बोलना चाहता हूं, बस टाइम नहीं है खान साहब ने। और रूस बोला है ट्रंप के बयान पे, चीन बोला है, ईरान बोला है, नवाज शरीफ नहीं बोला। गुलभूषण यादव का नाम लेते डरता है। ये इस मुल्क का वजीर आजम है, अब कहता है 62-63, अगर लोगों सुनो सिंध वालों, अगर 62-63 बदल गई, मेरा नाम नवाज शरीफ रख देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। ये मुल्क आइन कानून और कुरान के नाम पे बना है। ये मुल्क काला काला रसूल अल्लाह के अलम को बुलंद करने के लिए बना है। हमें अमेरिका डराए नहीं। और तुम अमेरिका से डरते हो, अमेरिका से डरते हो, पाकिस्तान के मुसलमान का ईमान है कि सुपर पावर अल्लाह की जात है। सुपर पावर कौन है? क्या हुआ अमेरिका तेरे साथ वेनेजुएला में, क्या हुआ हो ची मिन्ह में, क्या हुआ सीरिया में, क्या हुआ ईरान में? और अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने हिंदुस्तान वालों, मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली नदी नजर से देखा, तो ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बचेगी, सुनो, ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना घास उगेगी, ना चिड़िया चहकेगी। और असम के बॉर्डर तक, जो किसी वक्त नहीं था, आज सारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। और अरबों रुपए का आखिरी जुमला कह के सिंधियों, मेरा तुमने दिल खुश कर दिया। सखर वालों, मैं तुम पे कुर्बान, सखर वालों, मैं तुम पे कुर्बान। जिस तरह इमरान खान ने
اور جہانگیر ترین اور شاہ محمود نے مجھے اجازت دی ہے پرسوں میں حدیبیہ کا کیس یا ترسو سوار کو داخل کروں. عمران خان کے پیچھے 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 میں بھی وکیل بن گیا ہوں. میں نے کوئی کیس نہیں لڑا. اللہ وکیل ہے. اللہ کی طرف سے نواز شریف پکڑ میں آیا ہے. سندھ کے لوگوں آپ بہت عظیم لوگ ہیں. ان چوروں کے خلاف، ان لٹیروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ہمت کرو، ہمت کرو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سیاست میں آخری دفعہ یہ سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ دوں، ورنہ میں پاکستان کے نوجوانوں تمہیں کہوں گا نکلو، نکلو باہر. جو جو نکلے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. پاکستان کے لیے نکلو، چوروں کے خلاف نکلو، ڈاکوؤں کے خلاف نکلو، مرو اور پاکستان کے دشمنوں کو مار دو. سکھر اور سندھ زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کا پارو اس وقت سکھر میں جاری ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور ایک بار پھر سے انہوں نے نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سوال یہ کیا جاتا ہے مجھے نکالا کیوں ہے.